एसडीओपी उमेश कुमार तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि एक ब्राउन शुगर बेचने वाले व्यक्ति को सिरोंज के दिल्ली दरवाजा मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 14 मार्च की शाम संदिग्ध कैलाश साहू के घर रेड की गई तो कैलाश घर के बाहर वाले कमरे में उपस्थित मिला। उनके पास से पॉलीथीन में 29.30 ग्राम ब्राउन शुगर मिली जिसकी कीमत 29,350 रुपए की है। संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है। ये दिल्ली दरवाजा पर ये कैलाश साहू नाम का व्यक्ति अवैध ब्राउन शुगर बेचने का कारोबार कर रहा है और उसने पाया कि बकायदा उसने एक कमरे में एक अपना बिल्कुल दुकान जैसा सजा रखा था और जब इन्होंने रेड की थी तो बढ़िया वो छोटे छोटे पुड़िया बना रहा था। उस पर बरामदगी इनकी हुई है, उसमें करीब 29 ग्राम 300 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जो मतलब 3 लाख के आसपास इसकी कीमत है। और इसके साथ ही उसके पास से बिक्री करने के जो राशि है वो 77,000 रुपये 77,400 कुछ रुपए की बरामदगी हुई।